वेल बेबी, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम तुम्हारे साथ कुछ एक्सट्रीमली हॉट कुछ एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं. वेल एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते बट क्योंकि हमने ये बहुत लोगों के साथ की है. वेल तुम्हारे लिए हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हो अगर तुम वर्जन थे हमारे लिए. ये बोलते तो फिर ना जिमी को गुस्सा आ जाता है. वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके हस्बैंड है उसको ये वाले बोलेंगे तो गुस्से में चिल्ला के बोलते कि मैं वर्जन नहीं था, तुम लोगों ने मेरा रेप किया. वो इस तरह बोलते तो फिर ना जो यूं के होते कहते ओ रियली बेबी बॉय, तो ये तो अच्छी बात है. वेल तुम्हारे हस्बैंड हैं हम तो ये रेप नहीं माना जाएगा. तुम्हारे हस्बैंड से और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारी हर चीज़ के ऊपर हमारा हक है बिल्कुल. ये सिर्फ तुम हमारे ही हो, समझे. हर तरह के तुम्हारे डिसीजन पे, तुम्हारे हर तरह की हर लाइफ पे, तुम्हारी हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, समझ आई. इतना तुम्हारा भी नहीं है जितना हमारा है. तो जो भी हमने तुम्हारे साथ किया है वो रेप नहीं है. वेल सिर्फ हमने अपना राइट लिया और कुछ नहीं, समझ आई बेबी बॉय. ये बातें बोल रहे होते हैं जब यूंगी बोल रहे थे तो जिमी ने सब सुन रहा था और उसको ना पेन हो रहा था. उसने ना पेन में अपनी आंखें बंद किए थे क्योंकि जो यूंगी था वो ये बात बोल रहा था. उसकी ना निपल्स पे ना पिंच कर रहा होता है और उसकी ब्लैक पे ना बाइट भी कर रहा होता है टाइम टू टाइम. और उसके आगे जो शुआ होता है वो खड़ा होता है और उसने ना उसकी रिस्ट को टाइटली पकड़ा होता है और ना शुआ जिमी की तरफ देख रहा होता है. उसके लिप्स पे ना जोर से ना किस करने लग जाता है, किस और बाइट कर रहा होता है. वो किस कम और सकिंग लिप सकिंग ज़्यादा होती है और जिससे उसकी ब्लीडिंग भी हो रही होती है. पहले उसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा स्वेलन और रेड रेड होते हैं और उन पे काफ़ी निशान होते हैं, कट्स होते हैं, उनकी बाइटिंग के कट्स होते हैं. तो उस चीज़ का इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद जो यूंगी है वो जिमिन को वहीं से पीछे से उठा लेता है और उस पीछे से अपनी तरफ ना उसको मोड़ते हैं और फिर ना उसको ना अपने शोल्डर पे उठा लेते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे लेके आते हैं. उसको ना वहीं पर ना पुश कर देते हैं, जोर से ना फेंकते हैं जिससे ना जमीन को ना उसकी बैग में लगती है और वो चिल्लाता है और वो कहते हैं कि मुझे पेन हो रहा. तो फिर कहते हैं कि ना सो वॉट बेबी बाई, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ब्लेशर देंगे. वेल दे दे ब्लेशर बट उसके साथ हम तुम्हें पेन देंगे, ना कि लव केयर ब्ला ब्ला ब्ला, समझे. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पेन और ब्लेशर मिलेगा, ये बोल रहे. और फिर ना दोनों एक ना डार्क स्मिट करते हैं और फिर ना जमीन के ना फुली क्लोज करो. उसी वक्त जो उसने नाइट वाली टी शर्ट नाइटी पहनी होती है जिसके बटन आगे से होते हैं, मतलब एक ड्रेसिंग शर्ट टाइप पहने, तो उसको ना वो फुली उसको फाड़ देते हैं जिससे ना उसके बटन कोई कहाँ जाता कोई कहाँ. और जो शुभ होते हैं उसने उसकी ना नीचे से ट्राउजर उतारी होती है और वो जो जमीन होता है वो फुली नेकेड होता है. और उसको इस तरह देख के ना उन दोनों की जो ग्रेस होती है वो बिल्कुल ही डार्क हो जाती है क्योंकि उस टाइम जो जमीन था वो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था और उस पर उसके उन दोनों के लव पॉइंट्स भी थे और काफ़ी हो जाता उनके उसकी बॉडी पर इंजरीज थी. बट उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा था बिकॉज वो उन्हीं के दिए हुए थे और वो चाहते थे कि जमीन इसी तरह दिखे. बट उस टाइम पे भी जो जमीन की बॉडी थी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी इतने सारे ब्रूजेस होने के बावजूद भी. जो शुआ होता है वो ना उसको देखते हैं और फिर ना एक ना ग्रोन करता है और कहता है आ फक बेबी बॉय, तुम्हें देखते ही ना हमें ना काफ़ी अराउजल फील होता है. वो इस तरह बोलते और फिर ना एक्सप्लेन करते और फौरन ही ना खुद के ना क्लॉथ रिमूव कर देते और उसको ये देख के ना जो यूंगी तो वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर ना यूंगी जमीन की तरफ देखते हैं और फिर वो भी अपने क्लॉथ रिमूव करता है. और जो शुगा होता है वो बगैर किसी वार्निंग के जमीन के अंदर एंटर हो जाता है, उसके साथ सेक्स करने लगता है. और जो यूंगी होता है वो उसकी फुल बॉडी भी उसकी नेक पे किस कर रहा होता है. उसके बाद फिर उसके निपल्स पे आते हैं वहाँ ना बाइटिंग कर रहा होता है उसके एक निपल को. जब वो राइट निपल को किस और सक करा था बाइट करा था तो जो अपने हाथ से दूसरे वाले को पिंच करा था उसको दबा रहा था उसको वो करा था उसको इस करा था जिससे ना जमीन को ना एक प्लेजर तो फील हो रहा था बट प्लेजर से ज़्यादा उसको सिर्फ 10% प्लेजर फील हो रहा था क्योंकि बाकी 90% उसको हार्ट और पेन हो रहा था. और तो वो चिल्ला रहा था और रो रहा था और उनको रुकने का कह रहा था बट वो नहीं रुक रहे थे और वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सारे राउंड्स लिए थे. और
उसके बाद जब वो जिसमें वो देखते कि ना वो हाफ अनकॉन्शियस होने वाली स्टेट में है, तो फिर ना उस तो वो दोनों तो अपनी तरफ देखते हैं तो वो अराउज होते हैं अभी भी। तो फिर ना जो शुगर होता है वो हटता, क्योंकि इस टाइम भी वो सेक्स कर रहा था, उससे पहले जो यूंगी था वो राउंड अपने ले चुका था। तो जो शुगर होता है वो उससे ना खुद को वो करता है, अलग करता है, और फिर ना वहाँ किचन जाता है और वहाँ से ना एक गिलास पानी लेके आता है, और फिर ना जो शुगर उस गैस पे स्लैश कर देता है, जिससे ना जो जिमिन था वो अनकॉन्शियस होने की स्टेट में होने के इस तरह होने के बावजूद जब उसके फेस पे पानी आया तो फिर ना वो अब ऐसे फील हुआ था, वो अब उसके ना अनकॉन्शियसनेस रह नहीं गई थी, अब वो बिल्कुल ही कॉन्शियस में था टोटली। तो ये चीज़ देखे वो तो उसमें कर, उसके बाद जो शो हुआ था वो अपना काम कंप्लीट करता है, क्योंकि वो रिलीज होने वाला था बट अलग होने की वजह से वो वहीं का वहीं रह गया था। वो फिर कुछ टाइम बाद वो रिलीज हो जाता है, और जो यूंग होता है वो उसकी ना सारी बॉडी को छोड़ के अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वो अभी भी राउंड होते हैं तो एक स्मैक करते हैं। तो फिर जो यूंगी होता है वो जाता है जिमिन के फेस के पास, और फिर ना उसको ना उठाता है, उसको ना उठाता है और फिर ना नीचे ग्राउंड पर बिठा देता है। तो फिर ना जिमिन कन्फ्यूज होता है, और लेकिन उसको पेन हो रहा होता है। ग्राउंड पर बिठाने के बाद उसको ना जो शुगर होता है वो उसके पास आता है, उसको ना ग्राउंड पर पुश कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को उसके माउथ के अंदर एंटर कर देता है। और जो यूंगी होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है, और उस वहाँ पर ना किसी और बाइट कर होता है, किस तो नहीं कह सकते, सकिंग और बाइट, और उसके टीथ से बाइट कर रहा था, जिससे ना जो जिमिन था वो ना काफ़ी रो रहा था क्योंकि उसको पेन हो रहा था और उस टाइम पे भी। और जो शुगर था वो अपने बट जो यूंगी था जिमिन था उसे ना सही से सांस भी नहीं ली जा रही थी, बिकॉज जो शुगर था वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा था, उसके माउथ में काफ़ी फास्टर जा रहा था उसके माउथ में, जिससे ना जो यूंगी था यूंगी भी काफ़ी अराउजल फील कर रहा था, क्योंकि जो जिमिन था उसकी इस तरह की वॉइस सुन के। और इसी तरह वो फिर ना वहाँ ना अब रिलीज हो जाते हैं एक दूसरे के माउथ में, और उसके बाद जो जिमिन था अब वो उसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं रही थी ताकत, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही थी, और जो सांस भी फुली ना लेने की वजह से अब वो उसकी स्टेट काफ़ी ख़राब हो गई थी, और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया था कोल्ड फ्लोर पर। और फिर ना वो दोनों जब देखे कि जो जिमिन हो गया फुली अनकॉन्शियस हो गया, तो फर्स्ट तो उनको लगता है कि जिमिन सिर्फ ड्रामा कर रहा है, तो वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं बट देखते हैं कि जिमिन सच में अनकॉन्शियस हो गया। तो फिर ना दोनों कुछ कहते नहीं, और फिर ना वहाँ से ना चले जाते हैं अपने अपने क्लोथ्स को लेके, और फिर ना उसके बाद जाके शावर लेते हैं, और उसके बाद फिर ना बाहर चले जाते हैं। और जो यूंगी होता है वो जो जिमिन होता है वो वहीं वैसे ही बैठा होता है कॉल्ड फ्लोर पर नेकेड लेटा होता है। और फिर ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो यूंगी था जो जिमिन था वो उठा था कि उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टाइम बाद अपने कॉन्शियस में आया था। और फिर वो जब उठा था तो फिर उसको ना पहले तो कुछ याद नहीं था, उसको ना फिर अपनी बॉडी में और अपने हेड में पेन हो रहा था, और इतने टाइम से कुछ ना खाने की वजह से उसको ना काफ़ी ज़्यादा ही वो हो रहा था, तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी। तो उसको ना एंड स्लोली स्लोली सारी बातें याद आने लगती है, तो उसकी आइज में टीयर्स आने लगते हैं। तो फिर ना वो माइंड में सोचे कि ना पार्क जिमिन तो पहले तो ऐसे नहीं थे, फिर अब क्या हो गया। मैं वो इस तरह सोते और फिर ना अपनी तरफ देखता है तो वो काफ़ी मैसी कंडीशन में थे। तो फिर वो देख के ना एक सेट चक्कर करते और फिर कहते कि ना शायद यही होना था मेरे साथ, वो इस तरह बोलते। तो फिर ना कहते और उसके माइंड में से एक उसको आवाज़ आती है कि ना वो प्राउड है जिमिन कांगे, जो अपने ऊपर काफ़ी प्राउड था और वो अपने फादर का प्राइड था वो कांगया। तो फिर वो ये सोचते तो फिर कहते कि ना वो शायद जिस दिन उसकी मैरिज हुई वो उसी दिन शायद मर गया। वो इस तरह ना जिमिन अपने ना माइंड को आंसर देते और फिर ना उसके बाद वो उठता है और जो कि उसे उठा नहीं जाए तो बट वो फिर भी उठता है और फिर मेडिसिन खाता है और उसके बाद फिर चला जाता है। और उसको ना काफ़ी अजीब लग रहा था और उसने ना अपने क्लोथ्स को ना जो उसके फट चुके थे फिर भी उसने के जैसे तैसे करके पहना था। घर में वैसे उसको आइडिया हो गया था कि कोई भी नहीं है, क्योंकि जब भी शुगर और यूंगी घर में होते थे तो उनकी आहट होती थी या फिर उनकी स्नोरिंग साउंड होती थी, जिससे ना जो जिमिन था उसको पता चल जाता था कि वो घर में ही है, बट वो इस टाइम नहीं थे तो उसको पता चल जाता है। उसको बहुत अजीब लग रहा था ऐसे जाना, तो जिसकी वजह से वो अपने क्लोथ्स पहन भी लेता है
और फिर उसके बाद जाते हैं शावर लेते हैं, और फिर ना जब शावर ले रहा होता है तो वो इतना सॉन्ग शावर करनी होता है जितना जोर जोर से रोने की उसकी वॉइस होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन और हर्ट और हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो जीन होता है वो काउच पे बैठा होता है और ना वो कुछ सोच रहा होता है उस टाइम पे, ना वो कुछ सोच रहा होता है उस टाइम पे ना उसको बैठे बैठे ना उसको फिर ना सारे फ्लैश बैक्स याद आने लग जाते हैं उसके ना सारे उन दोनों के साथ गुजार रहे सारे वक्त के, तो फिर ना वो फिर से रोने लग जाता है। उस टाइम पर ना उसको ना कुछ ऐसे उसका फ़ोन वाइब्रेशन की ना उसको लगता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, तो वो उठता है और फिर ना अपने रूम में जाता है। उस टाइम पे ना जो नीचे जो मेन डोर होता है वो ओपन होता है, जिमिन को पता चल जाता है कि घर में कोई आया है, बट जो जिमिन है वो नीचे जाता नहीं है बिकॉज उसको कॉल आई हुई थी और वो कॉल उसके पेरेंट्स की थी, उसके मदर और फादर की, तो वो उसको अटेंड करते हुए कहते हैं यस हेलो मदर फादर। वो ना अपने ना इस तरह की वॉइस नॉर्मल वॉइस रखने की कोशिश करते ताकि उसके पेरेंट्स को पता ना चले कि जिमिन किस स्टेट में है, तो उसके पेरेंट्स भी एक चेयरफुल वॉइस में कहते हैं ना जिमिन बेटा कैसे हो तुम, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक स्माइल करते हुए बोलते हैं तो कहते कि ना मदर फादर मैं बहुत अच्छा हूँ आप दोनों कैसे हो, तो फिर वो कहते कि ना तो हमें भूल ही गए थे तुमने हमें एक दफ़ा भी कॉल नहीं की, तो फिर ना जिमिन कहते आई एम सॉरी मदर बट आपको पता है ना मैं आपको क्या बताऊँ, वो इस तरह बोलते था कि ना उनको ना कुछ ज़्यादा फील ना हो कि जिमिन जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट और पेन में है, तो फिर ना वो कहते हैं ना ओके ओके हम समझ गए कि तुम अपना हनीमून पीरियड मना रहे हो वो ठीक है, वेल तुम खुश तो हो ना, तो फिर ना जिमिन ना दो मिनट की साइलेंस के बाद बोलते कि यस मदर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो फिर कहते कि ना जिमिन क्या तुम सच बोल रहे हो ना, उसके फादर एक वरिड बॉय वॉइस में बोलते हैं और जो जिमिन को भी पता चल जाता है और कहते हैं यस फादर मैं बहुत अच्छे में हूँ आपको उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं एंड थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, और वो दो मिनट मुझे ना शुगर लूँगी बुलाने में जा रहा हूँ ओके बाय, वो इस तरह बोलते और फिर ना कॉल कट कर देते क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोला था और अब उससे बोला नहीं जा रहा था आगे, इस वजह से उसने फौरन में कॉल कट कर दी और फिर वो नीचे आता है, नीचे का अपने सामने का जो सीन देखता है वो देख के शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मेन डोर था, अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि जब मेन डोर ओपन हुआ था जो जिमिन ऊपर था तो वहाँ से शुगर और युंगी आए थे और उन दोनों के पास एक एक लड़कियाँ थी, एक एक लड़की थी और फिर ना वो दोनों ना काउच पे आके बैठते और उन तो वो जो दोनों लड़कियाँ थी वो भी एक शुगर की लैप में और एक जो होती है युंगी की लैप में आके बैठ जाती है। दोनों उन दोनों ही लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहने थे जिसमें उनकी बॉडी ना दिखने के बराबर ही दिख रही थी, मतलब छुपी हुई थी दिखने के बराबर, मतलब कि उसको सारे नज़र ही आ रही थी, अगर ना भी पहनते तो एक ही बराबर होते हैं, तो इस तरह की उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी और ना वो ना दोनों उसकी लैप में बैठ जाती हैं उन दोनों की और फिर ना वो दोनों किस करने लगते हैं। उस टाइम पर जिमिन होता है जब वो नीचे आता है तो ये देख के शॉक हो जाते क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था, और उनको जिमिन को ना उन दोनों की बातों से तो पता चल गया था कि वो काफ़ी लड़कियाँ और लड़कों के साथ काफ़ी लोगों के साथ सोच चुके हैं, बट उसको ये आइडिया नहीं था कि वो उनको अपने स्लट्स को घर ही लाएंगे, तो ये जिमिन को देख के ना बहुत बुरा लगता है। उस टाइम पे जो युंगी होता है उसको ना फील हो जाता है कि यहाँ पे ना कोई आ गया, तो वो उसको पता होता है ये कोई और डी जी भी दिया है, तो वो फॉर अड्डा किस ब्रेक करता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है। इस युंगी के इस एक्शन से जो वो जो लड़की होती है जो युंगी को किस कर रही होती है वो भी रुक जाती है और फिर ना वो भी उस लड़की की तरफ देखती है और देख के शॉक हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना उन दोनों को ऐसे ना रुका हुआ देख के ना जो दूसरी लड़की होती है वो फील करती है और फिर ना वो भी उस लड़की की तरफ देखती है, और जो युंगी होता है शुगर होता है वो भी ना जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर ना उसको ना एक कोल्ड लुक से देख रहे होते हैं, और दोनों ही युंगी और शुगा एक कोल्ड लुक से देख रहे होते हैं, और वो जो जो शुगा की लाइफ में बैठी थी वो भी लड़की ऐसी देख रही थी एक नॉर्मल लुक से, बट जो युंगी की लाइफ में थी वो काफ़ी शॉक एक्सप्रेशन से देख रही थी जिमिन को। तो उसके बाद फिर ना वो जो जो शुगर की लैब में लड़की बैठी थी कहती कि ना बेबी ये कौन है, तो फिर जो शुगर होता है वो ना जिमिन की तरफ थोड़ी देर तक 2 मिनट्स तक देखते हैं और फिर कहते कि ना ये कोई नहीं है इस घर का सर्वेंट है, वो इस तरह बोलता है, तो फिर ना युंगी को वेल इस बात का इस आंसर का नहीं पता था, इस आंसर का उसको ना नहीं पता था कि तो कोई आइडिया नहीं था कि वो इस तरह का आंसर देगा शुगा, बट वो भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता और कुछ कहता नहीं है।
मैं आपको ना बताना भूल ही गई कि उन दोनों लड़कियों के नाम क्या हैं। तो फिर जो शुगर की लैब में लड़की बैठी हुई है उसका नाम है जैन, और जो जो दूसरी लड़की है उसका नाम है जूलिया, जो योंगी के पास थी। तो जो जूलिया होती है वो ना जिमिन को ना शो के एक्सप्रेशन देखती है, और उसके बाद फिर ना वो उठती है योंगी की लैब से, और जो योंगी होता है वो भी उसको फॉलो कर रहा था कि ये किस तरह क्या कर रही है। तो वो भी खड़ा हो जाता है, और फिर ना उन दोनों को खड़ा हुआ देख के जो शुगर होता है वो भी खड़ा हो जाता है। और शुगर के खड़े होने से वो जो लड़की जैन थी वो गिरने वाली है, तो फिर ना जो शुगर होता है बट उसको ना वेस्ट से पकड़ लेते हैं, जिससे ना जो जैन होती है वो गिरती नहीं। और ये चीज़ ना जिमिन भी देख लेता, और उस टाइम पे ना वो फिर जूलिया की तरफ देखता है। जूलिया ना उसको एक स्मिक लुक से देखती है, और फिर फौरन उसके ना फेस पे एक स्लैप कर देती है, और वो तीनों ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि जूलिया ये करेगी।